भबरगुआ पुलिस को लुटेरी गैंग से जुड़े 8 में से 2 सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। अभी 6 और आरोपियों की तलाश है, इनमें 3 महिलाएं हैं। बताया जाता है लुटेरी गैंग का एक आरोपी 5 साल पहले भी ऐसे ही फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था। इसके बाद वह ठिकाना बदल कर रहने लगा। वह रिक्शा चलाते हुए ऐसी गरीब लड़कियों को अपनी गैंग में शामिल करता था जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक फरार आरोपियों के पकड़ाने के बाद और मामलों का खुलासा होगा। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक पुलिस राजू उर्फ रोहित और प्रमिला से पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ में अभी तक सुहानी, महेंद्र यादव, शुभम, मंजू उर्फ शिवानी और मीनाक्षी व एक अन्य का नाम बताया है। यह सभी आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक राजू और प्रमिला के पकड़ाने की जानकारी लगने के बाद सभी ने इंदौर छोड़ दिया। पुलिस ने शुभम के बंगाली कॉलोनी स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। वह भी शादी कराने के मामले में नकली रिश्तेदार बनने का काम करता है। राजू उर्फ रोहित पहले द्वारकापुरी इलाके में रहता था, जिसने अपना ठिकाना बदलकर बाणगंगा के कुशवाहा नगर में रहने चला गया था। राजू रिक्शा चलाने का काम करता है, जो गरीब बस्तियों की ऐसी लड़कियों को चुनता है जिनके पिता या मां नहीं है और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसके बाद वह कुछ रुपए का लालच देकर उनकी नकली शादी करवाने का काम करता था। राजू के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है कि वह 5 साल पहले भी द्वारकापुरी नकली शादी कराने के मामले में पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने बेंगलुरु की गैस कंपनी में काम करने वाले धनाराम पटेल निवासी राजस्थान की शिकायत पर राज और प्रमिला को पकड़ा है। सबसे पहले महेंद्र से उसने संपर्क किया था। बताया जाता है कि धनाराम जिस इलाके में रहता है वहां महेंद्र ने पहले भी एक युवती की शादी कराई थी, लेकिन शादी के बाद वह घर छोड़कर नहीं भागी। धनाराम उस परिवार के संपर्क में था। महेंद्र का मोबाइल नंबर वहीं से उसे मिला था। महेंद्र के बारे में जानकारी मिली है कि वह रुपए लेकर कई शादियां करा चुका है। वह पैसे देकर फर्जी रिश्तेदारों को खड़ा कर देता है। भबरकुआ पुलिस से राजस्थान के व्यापारी विनोद जैन से संपर्क कर लिया है। विनोद की शादी मीनाक्षी से करवाई थी, जो 13 दिन तक उसके साथ रही। बाद में उसने अपने रिश्तेदारों की मौत का बहाना बनाया और इंदौर भाग कर आ गई। मीनाक्षी इंदौर में प्रमिला और राज के संपर्क में थी। वह भी नकली रिश्तेदार बनने के साथ शादी करने का काम करती थी। भबरकुआ पुलिस के मुताबिक अभी 2 मामले ही उनके पास पहुंचे हैं। आरोपियों के काम को लेकर आसपास और राजस्थान पुलिस से भी संपर्क किया गया है। महेंद्र का वहां भी काफी आना जाना था। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।